नवरात्र में सप्तमी का दिन माता कालरात्रि से जुड़ा होता है और माता कालरात्रि का संबंध नेगेटिविटी के विनाश से समझा जाता है। तो आज हम वास्तुशास्त्र के दायरे में रहकर ये समझेंगे कि कौन सी वास्तु कंडीशन में घर में नेगेटिविटी का प्रवेश और वास हो सकता है, किस कंडीशन में घर में नेगेटिविटी एंटर कर सकती है और लिव इन कर और वास हो सकता है, क्या करने से नेगेटिविटी आएगी और क्या करने से नेगेटिविटी जाएगी। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि दिशाओं के इनिमिकल एलिमेंट्स की स्थापना से घर के वास्तु में तत्वों का संतुलन बिगड़ता है। उदाहरण के लिए आग की दिशा में पानी, पानी की दिशा में चूल्हा, लकड़ी की जगह धातु और धातु की जगह अग्नि की स्थापना करने से जीवन का जोश समाप्त हो जाता है, आयु को संकट होता है, तरह तरह के भय व्याप्त हो जाते हैं, हर्ष नष्ट हो जाता है और मुखमंडल म्लान हो जाता है। इसी तरह दक्षिण पश्चिम दिशा से हो एंट्री ऑफ इविल होती है और उत्तर पूर्व में गंदगी रखने से जीवन में अवरोध उत्पन्न होते हैं। यदि आपके घर में भी कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं कराया जा सकता है तो माँ कालरात्रि की शरण लीजिए। जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कि किस कंडीशन में घर में नेगेटिविटी का प्रवेश होता है और किस कंडीशन में नेगेटिविटी घर से बाहर जाती है। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।